हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ, आइसिंग शुगर और कैस्टर शुगर की। कैस्टर शुगर को आप बेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और आइसिंग शुगर को डेकोरेशंस में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैस्टर शुगर की रेसिपी क्या है। सबसे पहले एक मिक्सिंग जार में 2 कप चीनी लेंगे। अब 10 से 20 सेकेंड के लिए मिक्सी चलाएँगे। याद रखें, मिक्सी को ज़्यादा ना चलाएँ, क्योंकि हमें पूरे पाउडर फॉर्म में चीनी नहीं चाहिए, हमें थोड़े दानेदार चीनी चाहिए। अब एक प्लेट लेंगे, उसके ऊपर एक बाउल रखेंगे और बाउल को एक कपड़े से ढक देंगे। यहाँ मैं मसलिन क्लॉथ यूज़ कर रही हूँ, जिससे जो हमारी चीनी है वो अच्छे से छन जाएगी। थोड़ी थोड़ी कर कर चीनी छान लेंगे। जो मैं ये प्लेट में डाल रही हूँ, हमारी कैस्टर शुगर है। कैस्टर शुगर बारीक पिसी हुई चीनी ही होती है, जिसको हम केक्स में, ब्राउनीज में, कप केक्स, मफिन्स में यूज़ कर सकते हैं। यह हमारी परफेक्ट होममेड कैस्टर शुगर रेडी है। अब कैस्टर शुगर को एक एयरटाइट कंटेनर में भर लेंगे। अब एक मलमल का कपड़ा लेंगे और उसमें 1 चम्मच चावल के दाने रखेंगे और उसकी एक पोटली बना लेंगे और उस पोटली को जार में रख देंगे। यह मैंने इसलिए किया है ताकि जो हमारी चीनी है उसमें मॉइस्चर ना आए। चावल रखने से चीनी नमक में नमी नहीं आती है। पोटली बनकर रेडी है, अब इसे हम अपने कंटेनर में रख देंगे। हमारी होममेड कैस्टर शुगर तैयार है। अब चलिए देखते हैं होममेड आइसिंग शुगर कैसे बनाएंगे। इसके लिए जो हमारी बची हुई पीसी हुई चीनी थी, जिसको मैंने पहले छान लिया था, वो लेंगे और उसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालेंगे। 1 कप चीनी के लिए 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर लेंगे। अब इसे मिक्सी जार में डालकर 4-5 बार चला लेंगे। याद रखें, थोड़े थोड़े इंटरवल पर ही चलाएं, एकदम मिक्सी ना चलाएं। अब इस पाउडर शुगर को छान लेंगे, जिससे हमारी एकदम परफेक्ट आइसिंग शुगर बनकर रेडी होएगी। ये देखिए, हमारी परफेक्ट होममेड आइसिंग शुगर रेडी है। अब एक एयरटाइट कंटेनर लेंगे और उसमें हमारी जो आइसिंग शुगर जो हमने पीस कर रेडी करी है, वो भर लेंगे। हम आइसिंग शुगर को केक्स पर, जो हमारे डेजर्ट्स हैं उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। इसे हम फॉन्डेंट भी बना सकते हैं, फ्रॉस्टिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ चावल के दाने पोटली में बांध कर आइसिंग शुगर जार में रख दिए हैं मैंने। तो देखिए, आइसिंग शुगर और कैस्टर शुगर में दोनों में क्या डिफरेंस है, आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कैस्टर शुगर जो है वो एकदम दानेदार चीनी है और जो हमारा आइसिंग शुगर बनकर रेडी हुआ है वो एकदम फाइन पाउडर शुगर है। ये बेकिंग के लिए आइसिंग शुगर और कैस्टर शुगर की रेसिपी आपको कैसी लगी, मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा, बट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।